सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज के वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं होली स्पेशल फोटो एडिटिंग, जो कि देखने में कुछ इस टाइप की होने वाली है। तो गाइस, अगर आप भी अपने पिक को कुछ इस टाइप की एडिट करना चाहते हैं तो आज के वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। अब बिना किसी टाइम वेस्ट किए जल्दी से आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को डाउनलोड कर लेना होगा पिक्सआर्ट एप्लीकेशन, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। तो सिंपली वहाँ से डाउनलोड कर लेना, और लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा आप लोगों को, तो वहाँ से भी डाउनलोड कर लेना। अब चलते हैं अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। सो गाइस, सबसे पहले हम आ चुके हैं अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर और ओपन कर लिया है इस वाले बैकग्राउंड को, जिसका लिंक मैंने नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। तो सिंपली वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। अब हमें जाना होगा ऐड फोटो के ऑप्शन में, और जा कर के यहाँ से ऐड करना होगा अपने मॉडल के कटआउट को। सो गाइस, मैंने अपने मॉडल के कटआउट को ऑलरेडी यहाँ से निकाल के रखा हुआ है। अगर आप लोगों को भी जानना हो कि मॉडल का बैकग्राउंड कैसे रेज करते हैं, तो वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, आप लोग सिंपली वहाँ से वो वीडियो देख लेना। तो गाइस, अपने मॉडल को कुछ स्टेप से अपने मतलब बैकग्राउंड के ऊपर लगाना है, और इसको लगाने के बाद यहीं से फिर से अगेन जाना होगा ऐड फोटो के ऑप्शन में, और यहाँ से एक कलर के PNG को ऐड कर लेना होगा आप लोगों को। सो गाइस, ये वाले कलर के PNG को आप लोगों को ऐड करने के बाद कुछ स्टेप से मतलब कि इसको कलर को छोटा करना होगा, मतलब साइज को, और इस टाइप से कुछ स्टेप से लगाना होगा। बाद आप लोगों को जाना होगा यहाँ से इरेजर के ऑप्शन में, और यहाँ से इन्वर्ट पर क्लिक करके यहाँ से हम लोग ये रिस्टोर कर लेना होगा अपने मॉडल की जो हेड है या बॉडी है उसके ऊपर से कुछ स्टेप्स हैं। सो गाइस, इतना वर्क करने के बाद फिर से यहाँ से इसको एक कॉपी लेयर बना लेनी होगी हम लोगों को लेयर के पैनल पे क्लिक करके। तो इसके एक डुप्लीकेट लेयर बना लिया है, और इसको यहाँ से अपने मॉडल की जो फेस होता है उसके ऊपर कुछ स्टेप से लगा लेना होगा, और इसका जो ब्लेंडिंग मोड होगा उसको हम लोगों को चेंज कर लेना होगा, इसका ब्लेंडिंग को रख लेना होगा मल्टीपल। तो इसके बाद इरेजर के ऑप्शन में जाना है फिर से अगेन, और यहाँ से इन्वर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और क्लिक करके हमें कुछ इस टाइप से मतलब कि इसका मतलब कि बॉडी के ऊपर फिर से यहाँ से रिस्टोर कर लेना होगा। सो गाइस, जितना बार करने के बाद जो फर्स्ट वाला है उसको सिलेक्ट करना है, और इरेजर को उसमें चले जाना है, और इसका जो बॉर्डर लाइंस दिख रही है आपको लोगों को ये वाली, तो गाइस इसको डिलीट यहाँ से इरेज कर देना होगा। सो गाइस, इतना वर्क करने के बाद आप लोगों को इसका ब्लेंडिंग मोड आप लोग चेक कर लेना होगा, इसका ब्लेंडिंग मोड आप लोग रखना मल्टीपल। तो यहाँ से इतना वर्क करने के बाद जो फर्स्ट वाला होगा मतलब कि जिसके हमने ऐड किया था मतलब कि PNG को कलर्स के, उसका भी ब्लेंडिंग मोड हम लोग को रखना होगा मल्टीपल। तो गाइस, ये अपने मॉडल का हो गया हम लोग। सो गाइस, इतना वर्क करने के बाद इसकी जो ओपासिटी होगी इसको हम लोग को कर लेना होगा कम, और दोनों की कर लेना होगा कम। तो यहाँ से इसके कम कर लेने के बाद इसको सिंपली करना होगा डन। अब इतना वर्क करने के बाद आप लोगों को फिर से अगेन जाना होगा ऐड फोटो के ऑप्शन में, और फिर से अगेन ऐड फोटो को और एक मतलब PNG को ऐड कर लेना होगा कलर्स के। सो गाइस, अब की बार ये वाला कलर्स के PNG को ऐड करना है, और इसको कुछ स्टेप से बढ़ा करके लगा देना होगा, और इसका एक डुप्लीकेट लेयर बनाना होगा। तो यहाँ से लेयर के बनने पर क्लिक करना है, और इसका एक डुप्लीकेट लेयर क्रिएट कर लेना होगा। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ से इसको रोटेट करके कुछ स्टेप्स यहाँ पे लगा लेना होगा दूसरी साइड में। तो दोनों साइड में लगाने के बाद अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ से उसके गजब की एडिट हमारी पिक। तो अब यहाँ से करते हैं इसको डन। सो गाइस, डन करने के बाद अब हम चलना है फिर से अगेन ऐड फोटो के ऑप्शन में, और ऐड करनी है अपने मॉडल मतलब कि होली का टेक्स्ट PNG है उसको। सो गाइस, ये वाले टेक्स्ट PNG को यहाँ पर हम लोगों ने ऐड कर लिया है, और इसको कुछ स्टेप से ऊपर की तरफ लगाना होगा। तो यहाँ से इसके साइज़ को कर लेना होगा छोटा, और यहाँ से कुछ स्टेप से लगा देना होगा। तो गाइस, इतना वर्क करने का यहाँ से सिंपली करना होगा डन। तो गाइस, अब आप लोग देख सकते हैं जो हमारी फर्स्ट वाली लुक थी, पिक की लुक थी, और अभी वाली लुक है इसलिए मैच नहीं हो रहा है। तो इसको करने के लिए हम चलना होगा यहाँ से ड्रॉ टूल के ऑप्शन में। सो गाइस, ड्रॉ टूल के ऑप्शन में आकर के इमेज को कर लेना होगा सेव, और बाकी के एडिटिंग करते हैं अपने लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। तो ओपन करते हैं अपना लाइट रूम एप्लीकेशन। सो गाइस, आप लोग जैसे देख सकते हैं हम आज के अपने लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर और ओपन कर लिया इस वाली पिक को। तो गाइस, अब हम लोगों को जाना होगा सबसे पहले यहाँ से लाइट के ऑप्शन में, और जो इसका एक्सपोजर होगा इसको हल्का सा कम कर देना होगा, और इसका जो कॉन्ट्रास्ट है इसको भी कम कर देना होगा, और इसकी जो शेडो होगी इसको हल्का सा कम करना है करीब 2K अराउंड, -2K अराउंड करने के बाद यहाँ से जाना है टेम्परेचर के ऑप्शन में।
और जो मिक्स वाला ऑप्शन है उस पर जाने के बाद आप लोगों को लास्ट वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इसकी सेचुरेशन को हल्का सा आपको इंक्रीज़ कर लेना होगा। और इसके बाद जो जैसे लास्ट फोर्थ वाला ऑप्शन है, इसकी जो सेचुरेशन है इसकी सेचुरेशन को बढ़ा लेना होगा। तो इतना वर्क करने के बाद आप लोगों को जो फर्स्ट वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है इसकी सेचुरेशन को भी बढ़ा देना होगा, सेकंड वाले की बढ़ा लेना होगा, और जो येलो कलर वाला थर्ड वाले इसकी सेचुरेशन को भी बढ़ा देने का होगा। तो गाइस इतना वर्क करने के बाद यहाँ से डन करना होगा, और अब यहाँ से इसके टेम्परेचर को इनक्रीज़ कर लेना होगा। तो यहाँ से टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर लेना, सॉरी, तो यहाँ से डिक्रीज 4 के अराउंड कर लेना होगा। और यहाँ से टेम्परेचर के ऑप्शन में जाने, इस टेम्परेचर के नेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाना है इफेक्ट के ऑप्शन में, और जो विगनेट का नज़र आ रहा है आप लोगों को ऑप्शन है इसके अंदर विगनेट डाल देना हल्का सा करीब 9 के अराउंड या 10 के अराउंड। तो गाइस इतना वर्क करने के बाद नेक्स्ट वाले ट्रायंगल के ऑप्शन में जाना है, और यहाँ से इसकी शार्पनेस को बढ़ा लेना होगा और डिटेल को फुल्ली बढ़ा लेना होगा करीब 100 के अराउंड। और अब आप लोग बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं कितनी गजब एडिट हो चुकी हमारी पिक। सो गाइस आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।